नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी स्टूडियोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अनअकैडमी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड कराता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, और वो भी आपके मन पसंदीदा एजुकेटर के द्वारा। अनअकैडमी से आप सीख सकते हैं जो भी क्लासेस आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कहीं भी कभी भी। और इसके साथ में कई सारी जो फैसिलिटीज है वो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ढेर सारे टेस्ट होते हैं जिसे आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आप किस स्टेज पे हैं, कि आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है। और कोई भी आपको क्वेरीज होती है, मान लीजिए अगर आपने कोई एग्जाम दिया है या फिर आप कोई एग्जाम के लिए जो टेस्ट हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कहीं अटक जाते हैं, कोई आंसर ऐसा क्यों है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन भी अपने एजुकेटर से पूछना चाहते हैं तो आप उनके लाइव सेशन अटेंड करके उनसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चैटिंग के जरिए भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो इमीडिएटली आपको आंसर मिलता है। तो सभी तरह की जो फैसिलिटीज हैं सारी प्रोवाइड करा रहा है अनअकैडमी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देती हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। मेरा नाम चारू चौधरी है और मैंने मास्टर्स इन विजुअल आर्ट किए है और टूरिज्म मैनेजमेंट किया है। गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ मैं और मैंने नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। उसके बाद मैंने 7 साल से अधिक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पिक्सेरा ग्लोबल करके, उसमें एज एजुकेशन ऑफिसर वर्क किया है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना और देखना अनअकैडमी लर्निंग ऐप कहाँ है, तो उसको जाके आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड इसलिए करना है क्योंकि ये डाउनलोड करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो एजुकेटर ऐप में है पढ़ाने का, आप किधर पढ़ना चाहते हैं, कौन सी जो एग्जाम है आप उसको क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एजुकेटर सर्च करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आप अपने मन पसंदीदा एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा आपका मन पसंदीदा एजुकेटर कौन सा है, तो आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे NTA-UGC NET की प्रिपरेशन करने के लिए हैं, तो आपको क्या क्लिक करना है, NTA-UGC NET उस पे जाके आपको क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पे एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ सब्सक्रिप्शन के लिए। दोस्तों अगर आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी, और आप NTA-UGC NET की कोचिंग करना चाहते हैं, तो इतनी जो कम फीस है आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप फीस देखेंगे और जितने लंबे टाइम के लिए, जितने लंबे समय के लिए, ड्यूरेशन जितना आपका ज्यादा होगा, ये जो फीस है ये आपकी कम होती जाएगी। 1 महीने के लिए आपको 2100 रुपए पे करने हैं और आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा, आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों, जैसे 3 महीना 6 महीने में जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, जो ये धनराशि है पर मंथ की, ये कम होती जा रही है। आप देखिए यहाँ 1750 हो गई, फिर 6 महीने के लिए 1400 हो गई, और 12 महीने के लिए तो बहुत ही कम आपको नजर आ रही है, और ऐसे ही अगर आप 24 महीने के लिए देखेंगे तो ओनली 700 रुपए पर मंथ हो जाती है। यही नहीं, ये पर मंथ तो हो ही रही है, अगर उसके बावजूद भी आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं, आपको क्या कोड यूज करना है, CC Live अगर आप यूज करते हैं तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। आपको अगर 1 साल की बात करते हैं तो 10,500 जमा नहीं कराने, आपको केवल 9,450 जमा कराने हैं। पर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा जो कोड है CC Live उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तक ही तो बात हो गई सब्सक्रिप्शन की। अभी हम चलते हैं अपनी Unit 1 शिक्षण अभिवृत्ति की तरफ। अभी यहाँ पे क्या, हमारी जो Unit 1 है शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो ये हमारे जो मेन टॉपिक है, ये जो मेन यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति, उसका सब टॉपिक है, जो कि आप अपने सिलेबस में देख पा रहे होंगे कि शिक्षार्थी की क्या विशेषताएं होती हैं। और शिक्षार्थी कौन कौन से हैं, 2 तरह के हैं, एक तो किशोर और वयस्क। तो यहाँ पे
इन दोनों शिक्षार्थियों की क्या अपेक्षाएं रहती हैं और कौन कौन सी अपेक्षाएं रहती हैं, शैक्षिक हो गई, सामाजिक हो गई, भावनात्मक हो गई, संज्ञानात्मक हो गई, और व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं इसमें, किशोर में और वयस्क में, और जनरल भी हम बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नताएं किन आधार पर होती हैं। तो ये जो बातें हैं ये सब हम करेंगे अपनी इस स्लाइड में, ये जो पीपीटी है इसमें। अभी इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ शिक्षार्थी की विशेषताएं, जैसा कि हमारा टॉपिक आपने देखा होगा शिक्षार्थी की विशेषताएं। तो शिक्षार्थी की विशेषताएं हम सबसे पहले जान रहे हैं। शिक्षार्थी की विशेषताएं, पहली जो विशेषता है लर्नर की, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, यहाँ पे हम शिक्षार्थी की बात कर रहे हैं, तो जो पहला है, पहली विशेषता होनी आवश्यक है वो क्या है, अध्येता। अध्येता यानी शिक्षार्थी। शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य। अभी मान लीजिए एक क्लासरूम में है शिक्षार्थी और क्या बहुत जोर से उसे ठंड लग रही है, तो अध्यापक के द्वारा कुछ समझाया जा रहा होगा, तो क्या उस शिक्षार्थी को, उस अध्येता को, उस लर्नर को समझ में आएगा? उसका सारा ध्यान कहाँ जाएगा, बहुत ठंड लग रही है, पैरों में ठंड लग रही है, हाथ में ठंड लग रही है, वो बार बार ठिठुरता जाएगा, उसका जो ध्यान है वो ऐसा जाएगा कि फैन चालू है, फैन बंद कर दे, कोई फैन बंद कर दे, तो उसका सारा ध्यान कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। या फिर उसका सिर दर्द कर रहा है, शारीरिक रूप से उसको कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए अगर आपकी उंगली में जरा सा खून भी निकलता है तो हमारा ध्यान बार बार कहाँ जाता है, उस उंगली की तरफ कि यहाँ पे हमको दर्द हो रहा है। तो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए तभी हम शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। आप एज अ लर्नर खुद ही देखिए कि सबसे पहले मान लीजिए अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ना चाह रहे हैं, आप अनअकैडमी से भी पढ़ना चाह रहे हैं और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आपको फीवर है, कोल्ड है, या कोई बीमारी है, या फिर कहीं लग गई है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप पहली बात तो मैं कहती हूँ आप अपना स्मार्टफोन में ये ऐप ही ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है तभी आप शिक्षा ग्रहण करने के योग्य होते हो। और मानसिक रूप से मान लीजिए आप क्लासरूम में हैं और आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा कि अरे उनको हॉस्पिटल लेके गए होंगे कि नहीं लेके गए होंगे, उनकी तबीयत ठीक होगी या नहीं होगी, कैसे होंगे, क्या होंगे, तो हमारा सारा ध्यान कहाँ चला जाता है कि वहां पे क्या हो रहा है, उस तरफ हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी हम जानते हैं दूसरी विशेषता शिक्षार्थी की, वो है अध्येता की मूलभूत क्षमता एवं योग्यता। अभी अध्येता की मूलभूत क्षमता तो होनी चाहिए, जिस क्लास को आप अटेंड करने के लिए बैठे हैं तो आपको जनरल जो नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए अभी आप यहाँ पे हम आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, मान लीजिए मैं आपको गुणा कराने आई हूँ, गुणा सिखाऊंगी मैं आपको, तो वहां पे अगर बच्चे को 1 2 3 4 क्या है वो इनको भी नहीं पहचानता तो क्या वो ये कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो उसकी क्या मूलभूत क्षमता और योग्यता होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक को पढ़ने के लिए वो बैठा है या बैठी है, तो उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर वो ही क्लियर नहीं है, मान लीजिए अभी आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पढ़ना नहीं आता है, आप ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होता है, तो ना आपको हिंदी आ रही है ना इंग्लिश आ रही है, तो क्या आप वो समझ पाएंगे कि आपको जो शिक्षक है चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा ले, कितने भी टीचिंग एड्स को यूज कर ले, पर आपकी बेसिक जो है, बेसिक नीड ही क्लियर नहीं है, तो आप उसको समझने के योग्य नहीं रहेंगे। तो दो बातें हुई, एक तो अध्येता का शारीरिक और मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए और अध्येता की मूलभूत क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। अभी हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक, महत्वाकांक्षा और उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर। महत्वाकांक्षा और उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर का मतलब ये हो गया कि वो जो पढ़ना चाह रहे हैं, अभी आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं, तो आपके मन में होना चाहिए कि नहीं, ये जो एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट जुलाई में, तो मुझे कैसे भी करके ये जो एग्जाम है उसको क्लियर करना ही है, ये एग्जाम पास मुझे करना ही है। जब तक आपके मन में ये भावना नहीं आ जाएगी तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए, महत्वाकांक्षा और उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर। उपलब्धि अभिप्रेरणा मतलब कुछ प्राप्त करने की मन से ललक होनी चाहिए उसमें, तभी आप
वो पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरी इच्छा ही नहीं है, मुझे कोई सिखा रहा है कि ऐसे हाउ टू ड्राइव, और मैं सोच रही हूँ कि नहीं मेरे को तो सीखनी नहीं है, मेरे पास तो हमेशा ड्राइवर रहेगा, मैं क्यों सीखूंगी ये वो। तो अगर मेरे मन में ही नहीं है तो मैं क्यों सीखना चाहूंगी। तो मन में हमेशा महत्वाकांक्षा होनी चाहिए और सीखने की ललक होनी चाहिए, तभी व्यक्ति जो है, शिक्षार्थी जो है, वो उसको समझ सकता है कि शिक्षक के द्वारा क्या समझाया जा रहा है। चौथा, जीवन उद्देश्य। जीवन उद्देश्य क्या है कि अगर मेरा फाइनल गोल जो है वो कुछ और है और मुझे पढ़ाया कुछ और जा रहा है, तो मेरा जो मन है वो डावाडोल होगा, मेरा जो ध्यान है वो एक जगह केंद्रित नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है, मान लीजिए अगर आपको NTA-UGC NET की पढ़ाई कराई जा रही है और आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आपको पेंटिंग करने का बड़ा शौक है, तो यहाँ पे आपकी क्लास चल रही होगी और इधर आप कुछ 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 बनाते रहेंगे। ऐसा होता है और कई सारे स्टूडेंट्स का देखा गया है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जीवन उद्देश्य भी वही होना चाहिए जिसकी शिक्षा आप ले रहे हैं या उससे उसका लिंक होना चाहिए। अगर आपका जीवन उद्देश्य बिल्कुल ही डिफरेंट है और जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं वह बिल्कुल डिफरेंट है, तो क्या होगा, सीखने की जो इच्छा है जो वो कम हो जाएगी, और जब सीखने की इच्छा कम हो जाती है तो शिक्षक के द्वारा कुछ भी ज्ञान दिया जाता है वो सारा हमारा कहाँ से जाता है, ऊपर से जाता है। तो जीवन उद्देश्य भी वही होना चाहिए। पांचवा, तत्परता एवं इच्छा शक्ति। हमेशा जो शिक्षार्थी है वो तत्पर होना चाहिए सीखने के लिए, और इसकी इच्छा होनी चाहिए कि मैं सीखूं, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए कि क्या इसके आगे क्या है, इसे रिलेटेड क्या है, क्या टॉपिक्स हैं, क्यों पढ़ाया जा रहा है, कहीं समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन करता है। तो हमेशा रेडीनेस होनी चाहिए उसमें, हमेशा वो तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए सीखने के लिए। अगला पॉइंट है पूर्वाग्रह मुक्त। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, पर हमेशा वो देखते हैं कि अरे उसका जो टॉपर रहा है हमारी क्लास का, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा तो होना ही मुश्किल है। तो कुछ चीजों के पीछे जो पुरानी धारणा है, जो सोच है, उससे मुक्त होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए, एकदम नया ज्ञान होना चाहिए उसको कि अभी मैं प्रिपरेशन के लिए आया हूँ तो जो पुराना जो है ऐसा हुआ था, या जो लोग कहते हैं अरे तो पॉसिबल नहीं है, बहुत हार्ड है ये वो, तो उनसे वो मुक्त होना चाहिए। सातवां, ईमानदारी तो जनरली होना ही चाहिए। अगर शिक्षार्थी या अध्यापक कहता है कि आप ये करके लाइए, मान लीजिए मैं आपको कोई एग्जाम कोई क्वेश्चन दे देती हूँ कि आपको ये करके लाना है, और आप उसको अपने फ्रेंड से देख देख के लेके आ रहे हैं, उसकी नकल करके लेके आ रहे हैं, तो उसे क्या होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। और मेन उद्देश्य क्या होता है शिक्षक का, कि शिक्षार्थी, सभी शिक्षार्थी सीखें। तो आप नकल कर लेंगे तो हो सकता है शिक्षक आपको बहुत अच्छे से वहां पे राइट कर दे, पर तो वो उसका जो राइट करना है, वो उसका जो उद्देश्य है, वो उसका पूरा नहीं होता। अभी आठवां हमारा पॉइंट है शोधकर्ता। शोधकर्ता का है कि उसको बार बार रिसर्च में रुचि होनी चाहिए, उसको देखना चाहिए अगर अध्यापक ने ये कहा है तो वास्तव में इसके पीछे फैक्ट्स है नहीं है, उसको खुद भी सर्च करने की और जो कहा गया है उनके उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इकट्ठी करने की, उसमें योग्यता होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षा के प्रति रुचि। शिक्षा के प्रति रुचि होना तो बहुत ही जरूरी है। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और आपकी शिक्षा के प्रति रुचि ही नहीं है, तो कोई भी दुनिया की कोई भी कायनात जो कहते हैं वो आपको सिखा नहीं सकती है। तो शिक्षा के प्रति रुचि होना भी अत्यंत आवश्यक है। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है धैर्य एवं सहनशीलता। पेशेंस होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कई बार ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर मान लीजिए मार्क्स कम आए तो अभी हमें करना ही नहीं, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, कहाँ मिस्टेक हुई है उसको समझ के फिर से करने की, या फिर आप अपने जो शिक्षक हैं उनसे बार बार पूछ के भी अपनी जो कमियाँ हैं त्रुटियाँ हैं उनको दूर कर सकते हैं। सहनशीलता होनी अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों ये है शिक्षार्थी की विशेषताएं, एक बार मैं फिर से फटाफट से बता देती हूँ। शारीरिक और मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, बेसिक नॉलेज जो है वो उसको होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, उपलब्धि को प्राप्त करने का मन होना चाहिए, उसका जो वो जो अध्ययन कर रहा है और उसका जो जीवन उद्देश्य है उसमें कहीं ना कहीं लिंक होना चाहिए, वो हमेशा शिक्षार्थी हमेशा तत्पर रहना चाहिए, उसकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो प्राप्त करे,
पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए और शिक्षा के प्रति उसमें रुचि होनी चाहिए और धैर्य एवं सहनशीलता होनी चाहिए। तो ये जो 10 बातें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शिक्षार्थी की विशेषताएं हैं ये। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सब टॉपिक है किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाओं के बारे में, तो यहाँ पे मैंने क्या बात करी है, किशोर शिक्षार्थी की अपेक्षाओं के बारे में। और जो सिलेबस में दिया गया है तो चारों के बारे में दिया गया है, क्या क्या एक सेकंड बताती हूँ आपको। पहला शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक। तो ये चारों अपेक्षाओं के बारे में पूछा गया था, आपने देखा होगा अपने सिलेबस में। तो यहाँ पे शैक्षिक बात करेंगे हम। सबसे पहले देख लीजिए, हम किशोर शिक्षार्थी की बात कर रहे हैं, वयस्क की बात हम इस स्लाइड के बाद में करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं किशोर शिक्षार्थी की अपेक्षाओं के बारे में। तो शैक्षिक अपेक्षाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैसा होते हैं ये, इनके जो किशोर शिक्षार्थी होते हैं, किशोर शिक्षार्थी लगभग 19 वर्ष तक की इनकी एज मानी जाती है, अगर उत्तर किशोर को भी हम मानते हैं तो किशोरावस्था को मानते हैं, तो कैसे होते हैं इनकी सोच, इनके विचार कैसे होते हैं। पहले तो मूर्त होते हैं, मतलब या तो सही या फिर गलत, वो फिक्स से रहते हैं कि हाँ अगर कुछ भी है, मान लीजिए उनका कहना है कि शराब पीना या तो अच्छा है या बुरा है, वो इस तरीके से नहीं रहते कि हाँ कभी पी ली कभी नहीं पी, वो हर चीज में एग्जैक्ट झूठ बोलना सही है गलत है, तो वो हर चीज में हर बात में वो एग्जैक्ट बोलते हैं। तो उनकी सोच पहले कैसी रहती है, मूर्त रहती है, एकदम फिक्स रहती है, और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उत्तर किशोरावस्था आती रहती है तो इनके जो विचार हैं वो थोड़े से धुंधले हो जाते हैं और वो जितने फिक्स बचपन में रहते हैं उतने वो नहीं रह पाते, मतलब शुरुआत की किशोरावस्था की शुरुआत में वो जितने फिक्स रहते हैं उतने वो उनके जो विचार हैं वो थोड़े घुले मिले हो जाते हैं। जिज्ञासा, हमेशा किशोर शिक्षार्थी को देखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे पूछते रहते हैं किशोर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो हमेशा उनके जो क्वेश्चंस हैं वो बने ही रहते हैं। और जितने आप देखेंगे जितने जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो क्वेश्चंस अगर मन में भी होते हैं तो पूछने की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जाती है वयस्कों में। तो किशोर की प्रवृत्ति कैसी रहती है, हमेशा जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहते हैं। चुनौती, चुनौतियों को वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप देखना किसी किशोर को कहेंगे बेटा पढ़ ले, नहीं मानेगा, इस बार तो तू पक्का फेल है, अच्छा मेरे को ऐसा कह रहा फर्स्ट आकर दिखाऊंगा, और वो जब उनको चुनौती दी जाती है तो वो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और चुनौती को एक्सेप्ट करने के बाद में उसके लिए फुल मेहनत कर देते हैं। अभी क्योंकि किशोर की आयु कम होती है तो वो दूसरों के अनुभव से सीखते हैं ज्यादा, आप देखना हमेशा जो बड़े हैं वो कहते हैं नहीं बड़ों को बड़ों के पैर छूने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये सारी जो चीजें हैं वो किसे ग्रहण करते हैं, दूसरों के अनुभव से, या दूसरों क्योंकि दूसरे जो हैं जो बड़े लोग हैं वो ऑलरेडी अनुभव कर चुके होते हैं अपने जीवन में, इसलिए वो जो भी सीखते हैं वो दूसरों से सीखते हैं। खुद के विचार दूसरों से सीखते हैं, सबकी सुनते हैं, परंतु इनकी कैसी इच्छा होती है, थोड़ी जिद्दी प्रवृत्ति होने के कारण खुद क्या मानते हैं करते ये वही हैं, भले ही सबकी सुन लें पर करते ये वही हैं जो खुद चाहते हैं। और काम के ज्ञान को ग्रहण करते हैं, अभी इनके साथ क्या है कि ये ओनली क्या काम का ज्ञान है सुनेंगे, अभी आप देख लेना किसी भी किशोर को देख लेना, जब बड़े लोग कहते हैं मोबाइल को यूज करना बेकार है, ये है वो है, नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, और फिर मान लीजिए उन्हीं में से एक बंदा कहता है नहीं पर आजकल मोबाइल में काफी सारे पढ़ने के अनअकैडमी जैसी जो प्लेटफॉर्म है वो काम कर रहे हैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए भी बच्चे देख सकते हैं, तो बच्चे फटाक से बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तो उनको क्या काम की चीज क्या लगती है, वो उधर ही ज्यादा उनका जो अट्रैक्शन है वो वही रहता है जहाँ काम का ज्ञान होता है। दूसरा सामाजिक, अभी सामाजिक अपेक्षाओं की अगर बात करें तो तालमेल बिठाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है समाज के साथ में, क्योंकि इनकी अलग स्टाइल रहती है, एटीट्यूड अलग रहता है, समाज के लोग कुछ अलग रहते हैं, तो समाज के लोगों में क्या सामाजिक रीतियां और इनसे ये थोड़े से अलग बैठते हैं, तो इतनी जल्दी सामंजस्य जो है वो नहीं बैठा पाते हैं। अपने समान ग्रुप के बंदे दिखते हैं, मान लीजिए कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो हमेशा देखेगा कौन कौन ग्रुप के इंटेलिजेंट बच्चे हैं,
उनके पास हम जाएं ताकि हम नॉलेज शेयर करें। और मान लीजिए कुछ बच्चे बहुत मस्ती खो रहे हैं, तो वो क्या देखते हैं कक्षा में, सबसे पहले देखेंगे अरे मेरे समान का कौन बच्चा है जिसको उधम करना, कक्षा बंक करना ये सब अच्छा लगता है। तो किशोर जो शिक्षार्थी हैं वो अपने समान के ग्रुप जो है उनके साथ समय बिताना अधिक पसंद करते हैं। अभी किशोर शिक्षार्थी जो है वो अपने परिचय को लेकर बड़े सजग रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझे सब लोग जानने चाहिए, सबको मेरे बारे में पता होना चाहिए और अच्छा पता होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि कोई ना जानता हो। तो ये परिचय को लेकर सजग रहते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है उसको देखते रहेंगे, अभी देखते रहेंगे कि हाँ अभी क्या चल रहा है, अच्छा जोमेटो से ऑर्डर करना है हमें, अभी हर ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो ज्यादा चल रही है, तो लेटेस्ट ट्रेंड क्या है वो उसको कॉपी करना चाहते हैं। हर बात पे ओवर रिएक्ट करना उनको पसंद आता है। आपने देखा होगा किशोर लोग जो है थोड़ा सा डांट दिया और ओवर रिएक्ट कर देते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हाथ वाट काट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जरा जरा सी बातें जो है उनके लिए वो बहुत बड़ा इशू बन जाती है, बहुत मन में उनको ऐसा लगता है कि हमको पता नहीं क्या कह दिया गया है, अध्यापक ने कुछ कह दिया, तो वो उस चीज को एकदम मन पे लगा के बैठ जाते हैं। ईगो की प्रॉब्लम होती है, सबसे बात करना, विनम्रता थोड़ी कम रहती है इन बच्चों में, और इनको ऐसा लगता है कि हर बच्चा हर व्यक्ति मेरी तरफ ध्यान दे, मैं कुछ विशेष हूँ, तो अटेंशन जो है वो गेन करने की ये कोशिश करते हैं। और स्किल डेवलपमेंट में ये काम करते हैं, इनको अच्छा लगता है मान लीजिए बाइक चलाना हो गया, नई नई जो क्या टेक्नोलॉजी है उसको यूज करना कैसे आनी चाहिए, तो उनकी तरफ इनका ध्यान कुछ ज्यादा रहता है। अभी तीसरा, भावनात्मक अपेक्षा की अगर हम बात करते हैं तो स्वयं से प्रेम होता है इनको, ये तो ऑब्वियस ही बात है, जो किशोर हैं आप देखना घंटों घंटों तक अपने शीशे में अपने आप को संवारते रहते हैं, परफ्यूम डियो और पता नहीं क्या क्या लगाते रहेंगे कि अच्छा दिखूं। आजकल तो लड़के भी इतना ही पार्लर वगैरह जाके अपना सलून में बाल बाल सेट वगैरह कराना, तो बहुत सारा जो समय है वो स्वयं को संवारने में लगा देते हैं। विषमलिंगी काम भावना, अपना जो अपोजिट अट्रैक्शन जिसे कह सकते हैं, तो अगर कोई मेल है तो फीमेल के साथ वो समय बिताना पसंद करते हैं, फीमेल है तो मेल के साथ समय बिताना भी पसंद करती हैं। और विरोधी तथा अपराध प्रवृत्ति जो होती है ना उनमें बहुत जल्दी आ जाती है, कोई गलत बात सिखाते हैं तो वो जल्दी सीख लेते हैं, सही बात सीखने में वो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। आपने देखा होगा अभी जो भी अपराध वगैरह होते हैं उसमें कई बार अधिकांश तो ये 18 से कम आयु वाले जो बच्चे हैं, 18 तक 17, 18, 15, 16, तो ये बच्चे जो है वो जल्दी इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इनमें समायोजन का अभाव होता है, ये बहुत जल्दी सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। और अंतिम जो कि संज्ञानात्मक अपेक्षाएं हैं, मानसिक तनाव रहता है, क्योंकि देखिए ये सारी बात मान लीजिए अगर आपने ईगो है और किसी ने आपका ईगो हर्ट कर दिया तो मानसिक तनाव जो है वो ऑब्वियस ही बात है। बौद्धिक कौशल जो है, बुद्धि का जो कौशल है उसको वो यूज करते हैं परंतु कल्पना में जीते हैं, और इनका जो आइडल होता है उसकी वो बड़ी पूजा करते हैं, भले ही वो सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे रणवीर कपूर हो, उन लोगों को भी देखेंगे उनके जैसी बॉडी देख ली वैसी बॉडी बनानी है, या फिर किसी को मान लीजिए अब्दुल कलाम जो है उनको आइडल मान लिया तो किस तरीके से वो कोच की, तो जिसको भी वो अपना आदर्श बना लेते हैं उसको वो ऐसे भगवान की तरह पूजते हैं। तो ये सारी अपेक्षाएं हैं, ये तो है किशोर शिक्षार्थी की अपेक्षाएं। अभी हम जानेंगे वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं। वयस्क शिक्षार्थी बिल्कुल इनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल किशोर शिक्षार्थियों से भिन्न होता है। वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, अब सेम इसी प्रकार से चारों पॉइंट पे हम बात करेंगे, शैक्षिक अपेक्षाएं, सामाजिक अपेक्षाएं, भावनात्मक अपेक्षाएं, संज्ञानात्मक अपेक्षाएं। तो सबसे पहले है शैक्षिक अपेक्षाएं। अभी यहाँ पर खुद शैक्षिक अपेक्षाओं की बात करते हैं तो ये स्वयं परीक्षण करते हैं, दूसरों की बातों में नहीं आते। जहां पे किशोर शिक्षार्थी कैसे फटाक से दूसरों ने क्या कहा वो उसको जल्दी से मान लेते थे, यहाँ पे ये स्वयं परीक्षण करते हैं कि बात सही है नहीं है, उस पर विचार करते हैं, कहीं पे भी इनको दिक्कत आती है तो ये तर्क करते हैं। जिम्मेदारी और जिम्मेदारी का अनुभव रहता है इन्हें, और सही दिशा का ज्ञान,
प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये सही दिशा का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा कर्म की भावना रहती है, ये कर्म निष्ठा जो है उसकी भावना इनमें रहती है। तो ये कैसे है, बहुत जल्दी से दूसरों की बातों में नहीं आते, हमेशा खुद सोच समझ विचार के कदम उठाते हैं। सामाजिक अपेक्षाओं की बात करते हैं तो रीति रिवाज का उचित पर उचित विचार एवं तर्क करते हैं। रीति रिवाज जो है अगर मानते हैं तो भी बहुत अच्छे से और उसके पीछे इनके तर्क रहते हैं, और नहीं भी मानते हैं तो भी उसको न मानने के पीछे भी इनके तर्क रहते हैं, एक विचारधारा जो है वो इनके मन में रहती है। अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश रहता है, खुद भी कंट्रोल में रहते हैं और दूसरों को भी करने की कोशिश करते हैं। और सामाजिक जिम्मेदारी जो है उसकी भावना इनमें रहती है, समाज में जो उनको लगता है कि जो जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। भावनात्मक अपेक्षाओं की बात करते हैं तो आत्मनियंत्रण रहता है इनमें, स्वयं पर नियंत्रण है, आत्मदिशा, कौन सी दिशा में इनको जाना है, क्या काम करना है, इनका क्या गोल है, सब कुछ खुद ही डायरेक्ट करते हैं। और पूर्ण समायोजन रहता है इनका समाज के साथ भी, खुद के विचारों के साथ भी। चौथा है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक अपेक्षाएं जो है उसमें जिम्मेदारी की भावना इनमें बहुत ज्यादा रहती है, स्वयं प्रेरणा रहती है, खुद को प्रेरित करते रहते हैं, इनको बाहर से मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं रहती, खुद को प्रेरित करते हैं ये, मुझे ये करना है। जहाँ के किशोर शिक्षार्थी कैसा करते थे, दूसरे लोग मोटिवेट किए तो हो गए और एकदम से मोटिवेट हो गए, किसी ने कहा अरे आज पढ़ना है तो बस आज पढ़ना ही है, आज मेरे को देख लेना, किसी की वीडियो देख ली उसमें लिखा था कि 7 दिन पढ़े IAS बन गए, बस अब मैं भी 7 दिन पढ़ूंगा, और 7 दिन लग जाते हैं। जबकि वयस्क शिक्षार्थी कैसे होते हैं, उनका माइंड स्थिर रहता है, वो एकदम से किसी भी चीज से फटाक से ऑटोमेटिक चालू भी नहीं हो जाते और फटाक से बंद भी नहीं हो जाते, क्योंकि जितनी जल्दी जोश आपका दूसरों के चढ़ाने पे आता है उतनी जल्दी वो उतर भी जाता है। तो इनका कैसा है, एक धीमी गति से क्या मुझे करना है, जिम्मेदारी की भावना से सोच समझ के, और नया ज्ञान और नया ज्ञान प्राप्त करने की इनकी इच्छा भी रहती है, खुद से सीखना चाहते हैं और नया ज्ञान को कैसे प्रैक्टिकली अपनी व्यवहारिकता में लाना है, दैनिक जीवन में लाना है, वो भी इन्हें अच्छे से आता है। तो ये दोनों क्या बताई मैंने आपको, किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाओं के बारे में। अभी व्यक्तिगत भिन्नताओं की परिभाषाएं मैंने लिखी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ नोट की है, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना दे दूंगी ताकि आपको ध्यान में रहे जब एग्जाम में आता है। तो स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। तो स्किनर ने क्या किया, कहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं वो होती हैं जिससे हम जिसको माप सकते हैं, जिसको हम इवेल्युएशन कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। दूसरा है जेम्स डरेवर के अनुसार कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, शारीरिक और मानसिक गुण से दूसरे से जितने भी भिन्न है उसको व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं, या तो शारीरिक होगी या मानसिक होगी, कुछ ना कुछ गुण तो दूसरे से भिन्न होंगे तो उसे कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता। और टॉयलर क्या कहते थे, टॉयलर का कहना है कि शरीर के रूप रंग आकार कार्य गति बुद्धि ज्ञान उपलब्धि रुचि अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली विभिन्नता को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। तो ये भी सेम उसी प्रकार है, उन्होंने शारीरिक और मानसिक कहा था जेम्स डरेवर ने, इन्होंने इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक बता दिया है कि शरीर के रूप रंग आकार कार्य गति बुद्धि ज्ञान उपलब्धि रुचि अभिरुचि ये सब इन्होंने मेंशन कर दिया और आदि कह दिया, आदि लक्षणों में जो भी भिन्नता पाई जाती है उसे व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। तो ये तीनों जो परिभाषाएं हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ लिखी है, तो आप एक बार रीड करके जाइएगा जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं। अब व्यक्तिक भिन्नताएं जो विभिन्नताएं हैं वो किन आधार पे होती हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको जो व्यक्तिक भिन्नताएं जिन जिन आधार पे होती हैं उनके बारे में लिखा है। भाषा के आधार पे, अभी आप देखेंगे कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसके आधार पर व्यक्तिक भिन्नता होती है। लिंग के आधार पर, कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुल्लिंग है,
कोई नपुंसक लिंग है, तो उन आधार पर भी व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। बुद्धि के आधार पर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, किसी को समझने में बहुत अधिक समय लगता है, तो वो भी भिन्नता ही है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं, कुछ को कैच करने में बहुत टाइम लगता है, तो ये भी व्यक्तिक भिन्नता है। चौथा है परिवार एवं समुदाय के आधार पर। तो परिवार हो गया, समुदाय हो गया, जहाँ आप रहते हैं, तो उसके आधार पर भी किसी में परिवार की संख्या अधिक है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे 4 मेंबर हैं, कहीं पे 10 मेंबर हैं, कोई जॉइंट फैमिली है, कोई न्यूक्लियर फैमिली है, तो उस आधार पर भी भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। जाति के आधार पर कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई राजपूत है, कोई बनिया है, कोई वैष्णव है, तो दुनिया भर की जातियां हैं, तो उनके आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं जो हैं वो। संवेग के आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, अपने इमोशंस के आधार पर। कुछ लोग बहुत जल्दी इमोशनल होते हैं, तो बहुत जल्दी इमोशंस में बह जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उनके इमोशंस जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं उभर के आते हैं, तो उसके आधार पर भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। धर्म के आधार पर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो उस आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। वो अलग अलग भगवान को मानते हैं, उनका जो धर्म है वो अलग है, तो उस आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं मानी जाती हैं। शारीरिक विकास के आधार पर, किसी का शारीरिक विकास जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो ग्रोथ है वो जल्दी होती है, किसी की धीरे होती है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई मोटा अधिक है, कोई पतला है, तो शारीरिक विकास किसका किस तरीके का होता है उस आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। और व्यक्तित्व के आधार पर, कैसी पर्सनैलिटी है उस आधार पर भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो मुख्यतः ये सारी भिन्नताएं हैं। अभी आप देखेंगे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग बुद्धि के लोग हैं, धर्म के आधार पर, शरीर के आधार पर, व्यक्तित्व के, तो इन सब आधारों पर भिन्नताएं जो हैं वो देखी जाती हैं। और व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या होते हैं? एक तो है पहला है वंशानुक्रम। जैसे आप देखेंगे हेरिडिटी जिसे कहते हैं, कि अगर आपके पेरेंट्स ने जो आपको ज्ञान दिया है, उन्होंने जिस वातावरण में वो पले बड़े, तो कुछ चीजें जीन्स में आती हैं, तो उससे आप में भिन्नता देखने को मिलेगी। वातावरण, जिस वातावरण और परिवेश में आप रहते हैं, तो उसमें आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। आप हो सकता है गांव में रहते हैं, तो आपका जो उठना बैठना चलना खाना, हो सकता है वहाँ पे गांवों में बच्चे बहुत जल्दी खाना वगैरह पकाने लग जाते हैं। अगर हम सिटी की बात करते हैं, तो 20-25 साल के होने के बाद भी खाना पकाना नहीं आ पाता है, कई कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। गांवों के लोगों को फटाक से कौन सी फसल है, क्या है, सारा नॉलेज हो जाता है, जबकि अगर सिटी के लोगों को कहें तो टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज होता है। तो किस वातावरण या परिवेश में आप बड़े बड़े हैं, उससे भी भिन्नता का वो भी कारण होती है। आयु और बुद्धि, आप छोटे रहते हैं तो आपको खिलौने बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। आपको अगर देखा होगा कि कोई कार ट्रेन वगैरह जो है, आप उसको लेके बैठते हैं, और आपकी प्रायोरिटी होती है कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, चॉकलेट में या दिन में। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, तो शायद तक आपके खिलौनों में जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है, आपका जो रुझान है वो दूसरी तरफ हो जाता है। तो आयु और बुद्धि के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। चौथा है परिपक्वता। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, थोड़ा बचपन में छोटे रहते हैं तो बचपना रहता है, और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी समझ जो है वो, उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलता है। तो परिपक्वता के कारण भी भिन्नताएं देखी जाती हैं। और लैंगिक विभिन्नताएं, महिलाओं के शौक अलग रहते हैं, पुरुषों के अलग रहते हैं, तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से वहां पे भी भिन्नताएं जो है वो देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे हम वयस्क और किशोर शिक्षार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करेंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं जो हैं, इसमें पहला है अनुभव। अभी आप देखेंगे जो किशोर है उनका अनुभव थोड़ा कम होता है, तो वो हमेशा क्या करते हैं, दूसरों की बातों को सुनने की और समझने की कोशिश करते हैं, और दूसरों के अनुभव को काम में लेते हैं, और इसमें इनकी गलतियां भी होती हैं। जबकि वयस्क जो होते हैं वो स्वयं के अनुभव से सीखते हैं, और उनके अनुभव के आधार पर ही वो आगे चलते हैं। दूसरा है प्रेरणा। किशोरों को प्रेरित करने की आवश्यकता पड़ती है, बार बार उनको मोटिवेट करना पड़ता है, जबकि वयस्क जो होते हैं वो
सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं, उनका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो हमेशा काम करता रहता है, उनको बाहर से लोगों के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आप किशोर को देखना, फटाक से जल्दी से आप मोटिवेट करोगे कि आपको ये दिया जाएगा ये किया जाएगा, तो वो फटाक से मोटिवेट हो जाते हैं। जबकि वयस्क को इन चीजों में लुभाना, ये सब चीजें नहीं हो पाती, उनके लिए वो कारगर नहीं रहती है। तीसरा है धैर्य। जो किशोर शिक्षार्थी है उसमें धैर्य बहुत कम होता है, जबकि वयस्क शिक्षार्थी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें धैर्य बहुत अधिक होता है। चाहे सीखने के लिए भी अगर हम कहते हैं तो किशोर शिक्षार्थी को अगर जल्दी समझ में नहीं आता तो वो फटाक से छोड़ने की कोशिश करता है, जबकि वयस्क को अगर समझ में नहीं आता तो वो और ज्यादा पेशेंस के साथ में और ज्यादा अपने एफर्ट्स लगा के सीखने का प्रयास करता है। भविष्य की बात करते हैं तो किशोरों का जो भविष्य है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं रहता है, वो थोड़े डामाडोल रहते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है उनको, कौन सा करियर चूज करना है। जबकि अगर वयस्क की बात करते हैं तो उनका जो भविष्य है वो क्लियर रहता है उनको किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि वो सब चीज उस दौरान से निकल चुके होते हैं तो उनका जो भविष्य है वो फिक्स हो गया होता है उनको किस दिशा में जाना है। नियंत्रण, किशोर शिक्षार्थी जो है उसका नियंत्रण स्वयं पे थोड़ा कम होता है, जबकि वयस्क शिक्षार्थी की बात करें तो वो स्वयं पर नियंत्रण रख लेता है। दिशा, किशोर शिक्षार्थी जो है वो दूसरों के द्वारा जो दिशा दिखाई जाती है उसको वो काम में लेता है और उस दिशा की तरफ कौन सा उसको सही लगता है उस डायरेक्शन में जाता है, जबकि वयस्क जो है वो अपनी दिशा, किस क्या गोल है वो सब कुछ खुद डिसाइड करता है। समायोजन, किशोर जो है किशोर को समाज के साथ समायोजन करने में समय लगता है, सामंजस्य बैठाने में टाइम लगता है, जबकि वयस्क जो है वो हर सिचुएशन में हर परिस्थिति में समायोजित हो जाता है। तनाव की बात करते हैं तो किशोर जो है किशोर शिक्षार्थियों में तनाव के ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, वो बहुत टेंशन में रहते हैं, हमेशा गुस्से में भरे रहते हैं, जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि वयस्क जो होते हैं वो मैच्योर टाइप के होते हैं और तनाव जो है उनमें कम रहता है। स्वयं का महत्व, किशोर शिक्षार्थी स्वयं को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि वयस्क की बात करते हैं तो वयस्क जो है उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचता है, वो स्वयं को जानते हैं, इतना ही उनके लिए इनफ रहता है। और सीखने का तरीका जो है किशोर दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जबकि वयस्क जो है वो खुद अपने अनुभवों से ही सीखने का प्रयास करते हैं। और दायित्व की जो जिम्मेदारी और जो दायित्व की भावना है वो किशोर शिक्षार्थियों में कम होती है, जबकि वयस्क शिक्षार्थियों में ये जो दायित्व की भावना है वो अधिक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात करी है वयस्क और किशोर शिक्षार्थी, इनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में, और जो कि हमने अनुभव, प्रेरणा, धैर्य, भविष्य, नियंत्रण, दिशा, समायोजन, तनाव, स्वयं का महत्व, सीखने का तरीका, दायित्व, इन सभी पॉइंट्स को लेकर हमने इस पे बात करी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रश्न है, कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरा जो कोड है सीसी लाइव उसको यूज कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए ताकि मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ, आपका जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है उनको दूर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।